दिल्ली में आंदोलन कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा आज निकाले जाने वाले कैंडल मार्च के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी राजनीतिक दलों और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंडल मार्च में भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने वर्तमान सरकार को विफल बताते हुए दावा किया है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जल्द ही अपने विधानसभा हलके में एक चुनावी जनसभा कर 2024 के चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। उन्होंने आगामी चुनाव के वादे भी बताए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि धरने पर बैठे खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए वह शुरू से ही समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली में होने वाले कैंडल मार्च के लिए उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होने की अपील की है। जैसे खिलाड़ी कहेंगे मेरे को कोई इतराज नहीं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, उनके साथ, उनको न्याय मिलना चाहिए। ये हम सब, मैं खाली मैं नहीं, मैंने सब सारे राजनीतिक दलों से अपील की है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन करें, न्याय की पुकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले एक हफ्ते से अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सांपला किलोई में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में गांव-गांव पहुंच रहे हैं, जिसमें आज उनके कार्यक्रम का ये आखिरी दिन था। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार को फ्लॉप बताते हुए कहा कि अब लोगों ने मन बना लिया है, 2024 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र से पहले ही लोगों को अपने चुनावी वादे बताने शुरू कर दिए हैं। वादे किए हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे, और जो इन्होंने स्कीम बंद कर दी 100-100 गज के प्लॉट की, जो 3,82,000 हमने दिए, ये अपने मेरे गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, बैकवर्ड, उनको 100-100 गज के प्लॉट देंगे और उनके मकान का उनके उनमें प्रबंध करेंगे जिसको जरूरत होगी, और OPS लागू करेंगे। इस प्रकार से हमने वायदे किए हैं, और जो गैस का सिलेंडर जो है वो 500 से ज्यादा का नहीं। वहीं सरपंचों को पावर ना दिए जाने को लेकर हुड्डा ने कहा कि सरकार एक और घोटाले को जन्म देना चाहती है। देखिए वो एक जो है ना, वैसे तो कहने के तो छोटी सरकार कहते हैं, वो इलेक्टेड पंचायत है, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए सरकार को। उनको पंगु बना रहे हैं, भ्रष्टाचार का एक जो है ना, एक घोटाले को अंजाम दे रहे हैं ये। क्यों? ये तो फिर तो सरकारी अफसरों की और इनके भ्रष्टाचार में ही जाएंगे।